हेलो एवरीवन, धातु कर्म वह विधि है जिसकी मदद से किसी धातु को उसके अयस्क से परिशोधित किया जाता है और यह काफी जटिल प्रक्रिया होती है। चलिए हम इसकी जरूरी प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं जो धातु को अयस्क से निकालने में इस्तेमाल होती है। गलाना यानी स्मेल्टिंग धातु कर्म में बहुत भारी मात्रा में प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया में अयस्क को फ्लक्स और ईंधन के साथ मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में तेजी से तपाया जाता है। और यह फ्लक्स होता क्या है? धातु कर्म में फ्लक्स एक रासायनिक सफाई एजेंट होता है, या कहें एक प्यूरिफाइंग एजेंट होता है, जैसे कि एक कोक ईंधन होता है और चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन CaCO3 फ्लक्स के रूप में इस्तेमाल होता है। अगर आप भूल रहे हो तो याद दिला देते हैं, कोक एक ईंधन है जिसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं और उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह अक्सर कोयले से बनाया जाता है। यहां पर अशुद्धियां फ्लक्स के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, यानी कि चूना पत्थर स्लैग के रूप में हट जाता है। यहां एक उदाहरण है यह बताने के लिए कि गलाने की प्रक्रिया के समय क्या होता है। पहले ईंधन जलता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमाटाइट को लोहे में अवकरित कर देता है। यहां CaCO3 CaO में विघटित हो जाता है और चूना रेड जैसी अशुद्धियों से प्रतिक्रिया करता है। इस तरह से अशुद्धियां हट जाती हैं और हमें गलाने की विधि की मदद से हेमाटाइट से कच्चा लोहा मिल जाता है। दूसरी विधि जो हमारी जानकारी में आती है वह है रोस्टिंग यानी कि भर्जन। यहां पर अयस्क को हवा की मौजूदगी में एक विशेष तरह की भट्टी जिसको रिवरबरेटरी फर्नेस कहते हैं में तपाया जाता है। आमतौर पर धातुओं के सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में ऑक्साइड के रूप में बदलकर आसानी से धातु को परिशोधित किया जाता है। यहां मान लीजिए कि हमने अयस्क लिया है लेड सल्फाइड, इसे हम ऑक्सीजन में जलाते हैं और उत्पादित वस्तुओं में हमें मिलते हैं लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और इसे एक संतुलित रासायनिक समीकरण की मदद से इस तरह से दिखाते हैं, 2PbS प्लस 3O2 2PbO प्लस 2SO2। यहां PbS है लेड सल्फाइड और PbO है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड कार्बन से प्रतिक्रिया करता है जिसकी वजह से लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होते हैं। कभी कभी अयस्क को विघटित करने के लिए हवा के अभाव में या नियमित मात्रा की हवा में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन की प्रक्रिया कहा जाता है, जैसे कि CaCO3 विघटित हो जाता है CaO में। यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। धातु कर्म में अयस्कों को इतने ज्यादा तापमान में गर्म किया जाता है कि इस काम के लिए विशेष बनावट की जरूरत पड़ती है जो इतने हजार डिग्री सेल्सियस के तापमान को बर्दाश्त कर सके। तो ये प्रतिक्रियाएं अलग अलग किस्म की भट्टी में की जाती हैं। एक भट्टी में आमतौर पर आग जलाने के लिए बॉक्स होता है जिसमें ईंधन को रखा जाता है, एक अग्निकुंड जिसमें अयस्क को गर्म करने के लिए रखा जाता है, एक चिमनी और गैसेस के बाहर जाने के लिए निकास, रिवरबरेटरी फर्नेस में जिसे हम रोस्टिंग प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईंधन जमा करने वाले आग का डब्बा और अग्निकुंड जहां अयस्क को रखते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। एक क्विक रिकैप लेते हैं। भर्जन यानी रोस्टिंग ऐसा तरीका है जिसमें सल्फाइड अयस्क को लेकर अधिक हवा में तापा जाता है जिससे कि वह धातु सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। निस्तापन यानी कैल्सिनेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को हवा के अभाव में या अपर्याप्त हवा में गर्म करते हैं। यह तरीका कार्बोनेट अयस्कों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है जो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और गलाने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? गलाने की प्रक्रिया में हम धातु को अयस्क में से निकालते हैं जो धातु के ऑक्साइड के रूप में होता है। यह प्रक्रिया उष्ण और रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल में लाती है, जैसे कि कोयला, जिसे कि धातु में से बाकी तत्व हटाए जा सकें। यानी कि भर्जन और निस्तापन से मिले अयस्क धातु के ऑक्साइड के रूप में होते हैं और वे गलाने की प्रक्रिया के बाद फ्री धातु या कच्चे धातु में तब्दील हो जाते हैं। तो धातु कर्म में बस इतना ही था। बाय बाय।